अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो करेंसी की आपको समझ आ गई और अब आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी कर दी, इस उम्मीद के साथ कि ये कॉइन्स जो मैं बाय करके रखा हूँ इसकी वैल्यू अप होगी और मुझे उस पर प्रॉफिट होगा। लेकिन कभी आपके जहन में ये ख्याल आया कि क्या आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है जो आपने ऑनलाइन रखी हुई है, चाहे वो Binance.com है, Coinbase.com है, Blockchain.com है, या इस तरह की एक लंबी लिस्ट है वेबसाइट्स की जो यूज़र्स को एक्सेस देती हैं, बल्कि वो यूज़र्स की वेरिफिकेशन करती हैं KYC यानी नो योर कस्टमर्स की पॉलिसी के तहत। वो कस्टमर से, आप लोगों से CNIC और पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपकी वेरिफिकेशन के लिए, और बदले में आपको क्या देते हैं, वॉलेट एड्रेस। और उस वॉलेट एड्रेस को आपने यूज़र नेम और पासवर्ड के जरिए एक्सेस कर रहे हैं। इसके अलावा उस वॉलेट की प्राइवेट की कोई भी वेबसाइट आपके साथ शेयर नहीं करेगी, और जब तक किसी भी वॉलेट की प्राइवेट की आपके पास नहीं होगी, उसकी मुकम्मल ओनरशिप आपके पास नहीं होगी, वो उसकी जो कस्टोडियलशिप है वो आपके पास नहीं होगी। लेकिन ये तो है एक इसका फैक्टर के भाई उसके आपके जो वॉलेट्स हैं जहाँ पे आपने हज़ारों लाखों फंड रुपए के फंड सेव किए हुए हैं, उसके ऊपर बराह रास्त आपकी एक्सेस नहीं है, बल्कि उस वेबसाइट की एक्सेस है, बल्कि मैं ये कहूँगा उन्हीं के सर्वर पे सेव है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, आपके जितने फंड्स हैं वो सारे फंड्स ऑनलाइन हैं, और जब जो चीज़ ऑनलाइन है वो हैकर्स के लिए यूँ समझ लें कि वो मुश्किल ज़रूर है लेकिन हैकर्स के लिए नामुमकिन नहीं है। बावजूद इसके कि Coinbase.com, Blockchain या Binance वगैरह की सिक्योरिटी बहुत सख्त है, लेकिन बाबा वो सारी उनकी सिक्योरिटीज़ हैं, आपकी सिक्योरिटी कहाँ जाएगी? आप जब भी अपने फंड्स को एक्सेस करते हैं, रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए, आप ऑनलाइन होते हैं, और अगर उनकी सिक्योरिटी टाइट है तो क्या आपकी सिक्योरिटी टाइट है? जितने पाकिस्तानी इंडियंस हैं मोस्टली उस सारे क्रैक सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और जितने हैकर्स हैं इन क्रैक सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए ही आपके सिस्टम में इन होते हैं, उसको ब्रेक करते हैं उसकी सिक्योरिटी को। उस क्रैक सॉफ्टवेयर्स के अंदर मॉलवेयर्स होते हैं, वायरसेस वगैरह आते हैं, उसके ज़रिए आपके सिस्टम को सारा वॉच कर रहे होते हैं। तो ये जितनी आपने की इन्वेस्टमेंट है जो ऑनलाइन आपने सेव की हुई है दूसरी वेबसाइट्स के साथ, वो वेबसाइट तो शायद कदरे आपसे बेहतर हो सिक्योरिटी के मामले में, लेकिन आप कितने वल्नरेबल हैं वो आप खुद सोचें। तो आपके फंड्स बिल्कुल ऑनलाइन पड़े हुए हैं, और ऑनलाइन हैकर्स की बात करूं, कोई भी ये Blockchain.com, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं पॉपुलर वेबसाइट्स Binance वगैरह, जितनी मर्जी सिक्योरिटी इनकी अपडेट क्यों ना हो, हैकर्स के लिए हैकिंग करना कोई मतलब नामुमकिन नहीं है। आप Dogecoin.com, Dogecoin की मिसाल ले लें, Dogecoin जैसे ही लॉन्च हुआ, उसके लॉन्च होने के फ़ौरन बाद उसके सारे टोकन्स को हैक कर लिया गया। इसके अलावा पूरी क्रिप्टो की हिस्ट्री बढ़ी हुई है हैकिंग में। ये तो खैर दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर तो मैंने आपको बताया कि आपके फंड्स एक्चुअली वो आपके पास नहीं है, वो किसी वेबसाइट के पास हैं जिनको एक्सेस करने के लिए उसने आपको यूज़र ने पासवर्ड दिया हुआ है। दूसरा, चूँकि फंड्स ऑनलाइन है वो किसी वक्त भी हैक हो सकते हैं, अगर आपसे नहीं तो उनकी वेबसाइट में कोई मसला हो सकता है, अगर उनकी सिक्योरिटी नहीं तो आपकी तरफ से इम्कान हैं हैक होने के। ये दो फैक्टर हैं। तीसरा फैक्टर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा फैक्टर है ये जो जितनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोगों ने फंड स्टोर किए हुए हैं ये सारी कंपनीज हैं, और कंपनीज जाहरी बात है उनके ऑफिसेज होते हैं, वो जिस ममालक में उनके ऑफिसेज होते हैं वहाँ की रेगुलेशंस को उन्होंने फॉलो करना होता है, और किस जगह पे किस मुल्क की क्या रेगुलेशंस हैं आपको नहीं पता। जहाँ पे आपने फंड सेव किए हों, क्या मालूम हो किसी अमेरिका की किसी ऐसी नामालूम रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे हैं, और एकदम सरप्राइज आया जी वहाँ की हुकूमत ने, उनके स्टेट एजेंसीज़ ने उनके सारे ऑफिसेज़ को सील कर दिया, सारे फंड को फ्रीज कर लिया। ऐसे हुआ है, लिबर्टी रिजर्व एक पेमेंट प्रोसेसर था, पाकिस्तानियों के लाखों करोड़ों रुपए का फंड्स उसके अंदर पड़ा हुआ था, पूरी दुनिया में जो उसको एज अ पेमेंट प्रोसेसर यूज़ किया जाता था, जैसे पेपॉल है, जैसे पायोनियर है, इस तरह के जितने पेमेंट प्रोसेसर हैं, तो लिबर्टी रिजर्व का जो ऑनर है उसको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के तहत उसको जो अमेरिकी हुकूमत है उसने अरेस्ट कर लिया। जैसे ही अरेस्ट किया जितने फंड्स थे वो सब गए। तो क्या मालूम ये जो कंपनीज जहाँ पे आप सेव करके बैठे हैं Coinbase, Binance वगैरह, इनके जो ऑनर्स हैं वो कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हों, हमें नहीं पता। तो क्यों ना आइए आगे बढ़ते हैं, आज अपने फंड्स को सेव करने की भी थोड़ी बहुत जुस्तजू करते हैं, इस हवाले से मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा। देखें, क्रिप्टो करेंसी के चार किस्म के वॉलेट्स होते हैं। नंबर वन तो ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं जो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे होंगे Binance वगैरह की शक्ल में, आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे फ्री साइन अप करते हैं, अकाउंट्स को एक्सेस करते हैं, इसमें आपको मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरे किस्म के वॉलेट्स हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट्स उनको बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर वॉलेट्स कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं और मोबाइल में भी हो सकते हैं।
वो एप्पल मोबाइल्स के साथ भी, एप्पल लैपटॉप के साथ भी, कंप्यूटर के साथ भी, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स वगैरह उनके साथ भी वो इस्तेमाल होते हैं। वो ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। जो ऑफलाइन होते हैं वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब आपने फंड्स रिसीव करने हैं या सेंड करने हैं उस वक्त ऑनलाइन होते हैं, उसके बाद आपने फंड्स को उस सिस्टम को, उस मोबाइल को आपने मतलब कोल्ड स्टोरेज में भेज देना, उसको यूज़ नहीं करना, उसको ऑनलाइन नहीं रखना। तो इस तरह के ये वॉलेट्स होते हैं। तीसरी वॉलेट की किस्म हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, जिनमें पॉपुलर लेजर नैनो आपको पता होगा। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो हार्डवेयर वॉलेट्स देते हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स में क्या होता है कि एक छोटी सी यूएसबी की तरह डिवाइस आपको मिल जाएगी, उसमें आपने बीटीसी या कोई भी इथेरियम, लाइट कॉइन या इस तरह के जो जो उस हार्डवेयर वॉलेट में सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसीज होगी वो आपने वहाँ पर हार्डवेयर में मंगवा लेनी है और उस हार्डवेयर को आपने किसी जगह सेव कर देना। तो वो चूँकि वो हार्डवेयर एक हार्डवेयर की शक्ल में आपका क्रिप्टो सारा सेव होगा, तो आपको उसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अनटिल अनलेस के वो आपका हार्डवेयर बचा हो सही, कहीं गुमा ना दें या कहीं टूट ना जाए या कहीं बिल्डिंग वगैरह में रखा है उस बिल्डिंग में खुदा ना खासा कोई मतलब आग वगैरह ना लग जाए, तो इस तरह के हादसा से अगर आप बचा के रखें तो हार्डवेयर वॉलेट भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन वो फ्री नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर वॉलेट्स की मैं बात बता रहा था इससे पहले, वो फ्री भी है और उसमें पेड सर्विसेज भी है। लेकिन ये जो हार्डवेयर वॉलेट्स है ये प्योरली पेड सर्विस है। आपने ये डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस बाय करनी है, वो जैसे ही आपके पास आ जाएंगी वहाँ पे जो आपको एड्रेस मिलेंगे उन एड्रेस पे आप फंड्स मंगवाएंगे तो आप अपने फंड्स को इस तरह भी सेव कर सकते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर वॉलेट्स और ये हार्डवेयर वॉलेट्स इस ये टोटल आपकी कस्टडी में हो गए, ये आप ही ने महफूज करने हैं, इसका किसी दूसरे बंदे के ऊपर इसकी एक्सेस नहीं होगी अनटिल अनलेस आप खुद ना किसी के साथ शेयर करें। चौथे किस्म का वॉलेट सबसे टिपिकल और पुराना वॉलेट है, उसको पेपर वॉलेट्स बोलते हैं। अच्छा, आप पेपर वॉलेट्स, ये हार्डवेयर वॉलेट से पहले की तरीकाकार था, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। आपने कुछ वेबसाइट्स पे जाके खुद अपना बीटीसी एड्रेस क्रिएट करना है, उस बीटीसी एड्रेस के साथ साथ आपको प्राइवेट कीज मिलेंगी, वो प्राइवेट कीज़ आपने पेपर्स पे प्रिंट करके हाथ से लिख के या जैसे भी आपने महफूज कर लेनी है। तो इस तरह आप अपने उस जगह पर रखे हुए फंड्स उस वॉलेट एड्रेस में भी आप सेव कर सकते हैं। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि जब भी आपने फंड्स रिसीव करने हैं या सेंड करने हैं हर बार आपको बीटीसी का नया एड्रेस और नया प्राइवेट की वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। शायद कोई प्राइवेट कीज़ ऐसी हो जो कि मल्टी एड्रेस इसके साथ यूज़ हो जाती हो, जो कि मैंने किया नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन भी मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर मजीद रिसर्च करके स्पेशली पेपर वॉलेट्स के ऊपर एक अलग वीडियो तरतीब दूँ, क्योंकि पेपर वॉलेट मोस्ट सिक्योर मेथड है क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर करने का, सेव करने का, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये वो सारी चीज़ें थी। लेकिन अब इन चार वॉलेट्स की ऑप्शंस में से आपने फैसला करना है कि आपको कौन सा वॉलेट सूट करता है। फर्ज़ कर लें, आप थोड़ा सा मैं सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। अगर तो आपने डे ट्रेडिंग करनी है, डे ट्रेडिंग का मतलब यह है कि अगर आपने वो जो डे ट्रेडिंग का असूल है बाय द डिप्स एंड सेल द टॉप्स, अगर तो मार्केट क्रैश करने पर आपने कॉइन्स को बाय करना होता है और जैसे ही 10-15% ऊपर जाती है मार्केट तो आपने सेल करना होता है, यानी ये ट्रेडिंग अगर आपने करनी है हफ्ते दो हफ्ते के लिए, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई $1,000 से लेके तकरीबन $4,000-5,000 आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे रखें। ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स की खौफनाकियों से मुतलक मैंने आपको आगाज़ किया है, उनकी ये मसाइल हैं, लेकिन आपने जब ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए जैसे बाइनांस वगैरह। तो अगर तो आपने सिर्फ फोकस ही ट्रेडिंग पर करना है तो फिर तो आपकी मजबूरी आप ऑनलाइन ही अपने क्रिप्टो को सेव करेंगे। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट एक तो ह्यूज अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की है, लाइक $5,000, $20,000, $1,00,000 तक, या जितनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है जो आपकी नज़र में बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हार्ड अर्न आपकी मनी है, तो उसको अगर आपने सिर्फ इस वजह से महफूज किया कि यार मैंने एक ख़ास वक्त के लिए इसको कोल्ड स्टोरेज में रखना है ताकि जैसे इसकी वैल्यू अप हो तो मैं मतलब उसको बाद में निकाल के भेज दूँ, यानी उसकी ट्रेडिंग अगर आपने इस तरह नहीं करनी है, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर वॉलेट्स मैं रिकमेंड करूँगा, आपको हार्डवेयर वॉलेट भी रिकमेंड करूँगा, आपको मैं पेपर वॉलेट भी रिकमेंड करूँगा। हार्डवेयर वॉलेट में ये है कि आपको वो ऑनलाइन ही तरीकाकार है, जब तक आपने उसको एक्सेस नहीं करना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, आपके फंड्स आपके कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर में भी पड़े हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि वो आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में सेव है, ऐसा मोबाइल और ऐसा कंप्यूटर उसके लिए रख लें जिसके ऊपर आप नेट की एक्सेस ना रखें, अनटिल अनलेस जब आपको दोबारा क्रिप्टो करेंसी को अपने फंड्स को एक्सेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका यह है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है या आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है और उसके बारे में आप कंसर्न है, तो फिर आप सॉफ्टवेयर वॉलेट्स पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर वॉलेट में सिवाय आपके और किसी को एक्सेस नहीं है।
तो आपने अगर ट्रेडिंग नहीं करनी तो फिर आप सॉफ्टवेयर वॉलेट्स को यूज़ कर सकते हैं और आप हार्डवेयर वॉलेट्स को यूज़ करते हैं। मैं जो मुख्तलिफ नाम्स हैं उसके मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनके सारे नाम जो है वो ढूंढ सकते हैं। अगर फिर भी इस हवाले से कोई आप मेरे से बात पूछना चाहें, इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन पुट करें। किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो आप मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ उस पर, तो उससे मुतलक भी आप कोई अपनी सजेशन लाजमी दे दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।